हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग बताने वाली हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी जो कार है वो खराब हो चुकी है। तो दैट्स वाई मुझे अपनी नीस को ड्रॉप करना है और मैं उनके साथ जा रही हूँ, और इसलिए आज हमने ई रिक्शे का सवारी का एंजॉय करने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। आप बताएं अपनी राय। वैसे तो हम बाय कैब भी जा सकते थे, लेकिन हम बहुत लेट हो रहे हैं और हमें जो भी पहले दिखा हम बैठ गए। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, ये भी है। हमेशा हर बार कार से हम लोग जाते हैं, तो आप सोचा कि क्यों ना ई रिक्शे से जाया जाए। तो आप भी मेरे साथ बने रहें और देखें एक लैंडिंग कैसी चल रही है। अभी लैंडिंग तो हुई नहीं है, ठीक है। और इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन रोड का हाल बहुत बुरा हाल है। मैं क्या बताऊं आपको कि बस ये लग रहा है कि ये गया गया गया। ओ माय गॉड, राम 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 राम। ये सब चल रहा है जैसे घुड़सवारी करते थे ना हम लोग गाँव में, वो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस, बट ठीक है। ये भी लेना था, ले लिया मैंने। ये देखो ऐसा लग रहा है कि इस साइड गिरेगी या उस साइड गिरेगी। माय गॉड कैसे सरवाइव करते हैं, ये तो सुना था कि मैंने इस ई रिक्शे बहुत गिरते हैं। आज देख भी रही हूँ मैं, प्लीज सचमुच भगवान गिरने मत देना इसको। तो अच्छा है, सभी लोग इसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इन लोगों को भी भाई, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, तो हम जैसे लोगों को इस पर इनसे भी कैब ना करके ई रिक्शे का भी यूज करना चाहिए। भाई कहाँ जाएंगे ये लोग, इनका तो काम ही यही है। और हम जैसे लोग अगर ई रिक्शे से जाने लगे या तो इनको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, बहुत जरूरी है। जो हमारी इकोनॉमी है ना, जो सभी के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आज मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज ई रिक्शे से जाऊंगी अपने नीड्स को छोड़ने, और मैं जा रही हूँ। और अच्छा रहा सफर, लेकिन थोड़ा सा मन में डर सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग कार में होते हैं तो बम्पर की वजह से कभी भी धचके लगते नहीं है, इसमें लग रहे हैं बहुत जबरदस्त। हेलो, तो आप भी बताएं मुझे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि आप तो प्लेन के ही ऑलमोस्ट आते जाते हो, ठीक है, कार से, तो आपको दिल्ली में कैसा लगा? बहुत ही बाउंसी एक्सपीरियंस है। ओके, टक 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 टक, ऐसा लग रहा है कि घोड़े पर सवार हो गया मुझे, आ जाए कि बहुत ज्यादा बाउंसी एक्सपीरियंस है। ओ गॉड, डिफिकल्ट सा है पर ठीक है। यहाँ पे तो कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपसे शेयर किया। आई थिंक हम लोग उबर कैब वगैरह हम करते रहते हैं, पर मेरा मानना है कि हमें ऐसे आई मीन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी यूज करना चाहिए कि फॉर सपोर्ट देम, सच टाइप ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगी, ऑलमोस्ट मेरी वीडियोस ना कुछ मैसेज भी देती हैं, तो आज का मेरा मैसेज यही रहा है कि इन लोगों को भी सपोर्ट करें, अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट या अपने व्हीकल से ना जाकर इन लोगों के लिए भी सपोर्ट करें, और ऐसे ही मस्ती भरा इंजॉय करें, इस सफर का भी मजा लें। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी मुझे कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं उचक 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 इसी रिक्शे से। भाई बहुत हो गया, ठीक है। अगर जिसको वॉमिट हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज वो ना बैठे, ठीक है। देखिए, ओ माय गॉड। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।